الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام باب محبت نال بابا سے بلند روشی پڑھو صلاۃ وعلى آلك وصحابك يا شاكدا ومبشرا ونذيرا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لو تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جرم سیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر دل ازردہ کبھی تو نے ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم خریدنے کی بہت کی تجویز پر تیری رحمت نے کبھی یہ گوارا نہ کیا نہایت واجب الاحترام عزت مآب فضیلت مآب تقدس مآب سامعین محترم بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو اللہ تعالی جل شانہ و منوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و لا الہ غیرہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار سر الاسرار نور الانوار میرے اور آپ دے سب دے آقا غمخوار جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی ذات با برکات ان گنت لا تعداد درود و سلام دے تحفے گجرے پیش کر لین تو بعد آپ دے سامنے کلام مقدس دی ایک آیا مقدسہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی پروردگار عالم دی بارگچ دعائے لا العالمین صحیح بیان کر کے مینوں اور آپ نوں سن سنا کے صحیح عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی قدر رمضان المبارک دا پر نور اور پر کیف مہینہ ساڈے کولو بڑی تیزی دے نال جدا ہو رہے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا مہمان مہینہ اور لاکھیا مہینہ کیونکہ خالق ارض و سما نے خود ہی قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمایا کہ مومنوں یہ انعام میرا جڑا تاڈے لے آ رہے
ये सिर्फ तुहाडे उत्ते नहीं बल्कि तुहाडे तो पहले वालियां कौमां ते भी उम्मतां ते भी रोजे फर्ज सन। या अल्लाह किवें 30 दिन गुजरनगे? अल्लाह फरमांदा अय्याम मादूदात, ये ते गिनती दे दिन ने, तुसां गिणदियां वैणा इन्हें आपे ही गुजर वैणा। गिनती दे दिन ने, पहला रोज़ा जिन्हें रखे है, अज अलहमदुल्ला 14वां रोज़ा है, महसूस भी कोई नहीं हो रहा। तो जिन्हें रखिए ही नहीं उन्होंने तो पहला भी पहाड़ दिसदा है, तो दूजा भी इंज जिवे अगर जा रहे उंजी उंजी उन्होंने पहाड़ दिसदा वैंदा है। हज़रात गिरामी कदर, ये खुश नसीबी है साड़ी, खुशबख्ती है जिहड़े जिहड़े रमज़ान शरीफ का एहतराम कर रहे हैं, जिहड़े जिहड़े रमज़ान शरीफ के रोज़े रख रहे हैं, नमाज़े तरावी बा जमात अदा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान नूं रात नूं कयाम करना ते दिन नूं रोज़ा रखना, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बे, पिछले सारे गुनाहों नूं रब तआला माफ़ फरमा दिंदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला असां दे रोज़े कबूल फरमाए और बाकी जिहड़े रहिंदे ने ओह रखण दी तौफीक अता फरमाए। मजूसी अग दी पूजा करन वाला अगर रमज़ान दा एहतराम करे तो उन्हूं ईमान दी दौलत भी मिल जाए ते जन्नत दी बशारत भी मिल जाए। ते नबी दा गुलाम होवे, सरकार दा दीवाना मस्ताना ते आशिक होवे, कलिमा पढ़न वाला होए, हुजूर दे गीत गान वाला होए, ओ रोज़ा रखे ते फिर ओदे इनामां दा अंदाज़ा कौन कर सकदा है। अज दा सबजैक्ट, अज दा मौजू, अज दा उनवान फतेह जंगे बदर और रमज़ान शरीफ दे नाल रिलेट चंद बातां आप दी नज़र करन दी कोशिश करांगा। क्योंकि रमज़ान शरीफ रोज़ियां दी वजह तो ते फजीलत है ही सही, एदी फजीलत, एदी अजमत और एदी रिफात व बुलंदी दे होर कई असबाब ने, जिस तरह के तीन रमज़ान मुबारक नूं जनाब सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दा विसाले बा कमाल, 10 रमज़ान शरीफ नूं फतह मक्का होया और नाल जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा उन्हां दा विसाले बा कमाल, 17 रमज़ान शरीफ नूं फतेह बदर और नाल जनाब सैयदा आयशतु सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दा विसाले बा कमाल, इंजे 18 रमज़ान शरीफ नूं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नूं ज़बूर शरीफ अता की गई, 19 रमज़ान मुबारक नूं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नूं तौरात शरीफ अता की गई और 20 रमज़ान मुबारक नूं जनाब ईसा नूं इंजील मुकद्दस अता फरमाई गई, 21 रमज़ान नूं जनाब मौला अली शेर खुदा दा शहादत दा दिन ने, इंशाअल्लाह उन्हां दी बारगाह च भी नजराना अकीदत पेश करांगे, और 26 रमज़ान मुबारक नूं कुरान मुकद्दस दा नजूल है। ये तो सारा महीना ही क्या बात है, नूर नाला नूर है, अल्लाह तबारक व ताला ने सानू नसीब फरमा दिता है। तो यकीनन यकीनन जिन्हां ने रोज़े रखे ने उन्हां नूं कोई नहीं महसूस हो रहा, तो जिन्हां ने मैं पहले अर्ज़ किया जिन्हां ने नहीं रखिया फिर उन्हां दा तां फिर हिसाब किताब अलग ही है। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने कलाम मुकद्दस के अंदर जंगे बदर की फतह का तज़किरा फरमाया और ईमान वालियां नूं दस्या और पूरी कायनात नूं ऐलान किया कि जेड़े मेरे महबूब दियां जुल्फां दे असीर बन के मैदान के अंदर कदम रख लैंदे ने होण भावें थोड़े, मैं रब उन्हां नूं बहुतियां दी विखा दिंदा वां। या अल्लाह ओह किवें? फरमाया जदों बदर वास्ते मुजाहिदीन ने इस्लाम के अंदर ऐलान किया गया, बदर दा मारका होया क्यों, की जरूरत पेश आई, आका करीम अली सलातो व तस्लीम ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया तो सरकार ने इस्लाम की तबलीग की थी, तो लोग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलिमा पढ़न लग पे। काफिरां ने जदों वेखिया कि साढ़े प्यू दादे दे दीन नूं हट के एक नवा दीन लैके आए ने, तो साढ़े जड़े लातो मनात ने उन्हां दी तोहीन हो रही है, लिहाजा इन्हों बंद किया जाए। उन्होंने जिन्होंने इस्लाम द जिन्होंने कलमा पढ़ लेना मेरे आका दा गुलाम बन जाना, उन्होंने अपने डेरिया ते बुला के तशद्दुद दा निशाना बनाना, सख्त तो सख्त सदा देनी, अजियत देनी कि इस तो दस्तबरदारी का ऐलान कर दौ वरना असी तुहानू मक्के तुहाडा रहना जिहड़ा नागुजीर कर देंगे, असी इन्ना को तुहानू तंग कर देंगे कि तुसी खुद ही चले जाओगे। सहाबा इकराम जख्मी होके किसी का हाथ टुटिया होया है, किसी का सर फटिया होया है, किसी के पाँव ते चोट लगी है, किसी के सीने चो खून निकल रहा है, किसी के मूँह चो खून निकल रहा है,
हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाजिर होना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां काफर ने अज तुहाडा गुलाम बनन दी वजह तो यह सज़ा दिती है, फलां ने यह सज़ा दिती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना, अजे तक मैनू रब की तरफों जिहाद का हुक्म नहीं आया तो तुसी सबर करो। जदों काफरां दे मुजालिम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए तो हजूर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मेरे रब ने हुक्म फरमाया, महबूबा तुसी हुण मक्का शरीफ छोड़ के ते मदीना तैयबा दी तरफ हिजरत फरमा जाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्का तो मदीना शरीफ तशरीफ लै आए तो इत्थे भी यहूदो नसारा ने, इत्थे भी काफिरा ने, बेईमाना ने उहो ही कम शुरू कर दिता। रब ताला दी गैरत नू जोश आया कि यार नू उत्थों चुक के इत्थे लियांदा है कि मेरे यार नू सुकून हो जाए, तो ये फिर मेरे यार नू तंग कर रहे ने। तो जदों महबूब की गल आ जाए, जदों आशक दे सामने मशूक दा मसला आ जाए तो फिर बेरो सजा खब्बा तो नहीं वेखदा, तो होवे उसका आशिक, होवे उसका मशूक, होवे उसका महबूब जिहड़ा पूरी कायनात नू बनाने वाला है। मेरे मालिकुल मुल्क ने जदों वेखिया यार नू इत्थे भी तंग किया जा रहा, यार दे दीवानियां मस्तानियां नू अज़ियत पहुँचाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लाल फरमाया उज़ीना लिल्लज़ी ना युकातलू ना भी अन्नहुम ज़ुलिमू। सोनिया असने इजाजत ना अता फरमा छड़िए, जेड़े जेड़े तेरे गुलामां नू एका फरज़ियत देन, जेड़े जेड़े तेरे गुलामां नू तंग करन, तुहानू भी असने जहाद दी जंग करन दी इजाजत दे छड़िए। जाओ इन्हां दे नाल मुकाबला करो। अल्लाह अकबर जदों इजाजत मिली मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया लोगो आ जाओ, अज इजाजत लाने आम हो गए, अज सने काफरां दे नाल बरसरे पैगार आने, अज सने भी मुकाबला करने। जदों मुजाहिदीन इस्लाम नू सियाबा नू पता चले, अल्लाह दी कसमी अपने घरां दियां दीवारां फलांग दे होए, जुतियां भी नहीं पाइया, तैयारियां भी नहीं कीतियां, जिस हालत दे अंदर मौजूद ने दौड़ दौड़ के मेरे आका दी बारगाह दी लड़ा रहे ने। एक इस वास्ते आ रहे ने, कोई राशन दे तोड़े लैण वास्ते नहीं है, कोई रुपए पैसों का इनाम नहीं मिल रहा, बल्कि खुदा दी कसमी हर एक जान दे जिहड़ा ऐलान हो रहा है, इस ऐलान दा नतीजा की निकलना है, सर कट वेने, जिस्म टुट वेने, टुकड़े टुकड़े हो जाने, पता नहीं आजा पूरे मैदान दे अंदर किथे किथे बिखर जाने ने। रिजल्ट दा भी पता है, नतीजे दा भी पता है, फिर भी दौड़ दौड़ के मेरे आका दे कदम च आ रहे ने, ते अर्ज़ा कर रहे ने सोनिया इते जान एके, अफसोस बड़ा है, अरमान बड़ा है, एक जान जड़ी तेरे को लेके आ गया, साडा ते मान ते अकीदे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सोने हज़राती गिरामी कदर, मेरे ते तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम इंज जज्बे ते शौक दे नाल आ रहे ने, तेरदा कर रहे ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडी जान माल औलाद सब कुछ तुहाडे तो कुर्बान है। बल्कि किबला मियाँ साहब एक हैरानगी दी गल है वी कि जदों मुनादी निदा कर रहा सी ना लोगों के अंदर कि आओ जिहाद, जिहाद की इजाजत मिल गई तो आओ, सरकार बुरा लैने मदीना पाक दे एक कर दे विच्चों
दरवाजा खुली है थोड़ा जिहा दरवाजा खुली एक कवाड़ दा थोड़ा जिहा साइड ते करके एक बीबी ने मुनादी नू आवाज दिती वे जाने वाले रुक जाओ। निदा करन वाले ने पीछे मुड़ के वेखिए निस्वानी आवाज आई औरत दी आवाज आई हैरान होयो कहन लगा बीबी नबी ने औरतां वास्ते ऐलान नहीं फरमाया सरकार ने मर्दां नू बुलाया हुजूर ने जवानां नू बुलाया हुजूर ने जनाबे मन जवानां नू बुलाया मर्दां दे वास्ते ऐलान कीता जा रहा है। बीबी कहंदी ए वीरा गल ते सुन ले मैं तेरे नाल इकरार दी गल करनी है। जदों मुनादी वापस आया बीबी दे कोल पुछदे कहन लगा नी भैणा सुना के कहना चाहनी है मैं अपने आका दा ऐलान करन वास्ते जा रहा वा किधरे मैनू उस कम तो देर ना हो जाए तेरी कोई गल या मशुरा फजोल ते नहीं है ना। अर्ज कर दी है वीरा नहीं नहीं मैं भी इस बारे तेरे नाल मशुरा करना है। वो पुछन लगे की कहना जे कहन लगी मेरा गोदी दी अंदर साल तो भी छोटा पुत्र लेटिया होया एक नन्ना जिया मासूम मेरे घर दे अंदर लेटिया होया मैं ओनू लेके नबी दे कोल जाने ते सरकार दी बारगाह दे अंदर जाके पेश करने तुसी मशवरा देवो मैं ले जावा के ना ले जावा। ओ कहन लगा निदा करन वाला मेरे नबी दा गुलाम सिया भी कहन लगा नी पैना चली हो गई कमली हो गई है बच्चियां दा जंग दे अंदर के कम में ओ ते जवान बहादुर अल्लाह अकबर जंगजू सियाबा दा कम में ओ ते जर्री जड़े बहादुर ने उन्हां ने जंग करनी है। ओ बीबी कहन लगी नहीं नहीं मेरे कोल ते जवान पुत्र है ही कोई ना अल्लाह ने यही अता फरमाया नबी दा ऐलान हो गया मैं सोच रही कल जो कयामत का दियाड़ा आने सरकार ने वेखना है अपने गुलामां नू हशर दा मैदान कायम हो जाना है ते नक्शा की होने जदों गुनागार परेशान होणगे जदों अल्लाह अकबर गुनागार परेशान हो गए ते पसीने दे नाल शराबों रोके ते निडाल ते घबराए होणगे ते उधरों आवाज हशर दे मैदान दे अंदर गूंजनी है उधरों मैदान दे अंदर जदों आवाज गूंजनी है सज्जे खब्बे वालियां ने भी जवाब दे छड़े रिश्तेदारां ने भी मुंह मोड़ लेना। अल्लाह दा कुरान कहंदे यो मा या फिरुल मरु मिन अखीए व उम्मी व अबीए अज मां भी अपने लाल तो दूर हो गई अज बाबा भी कहंदे जाओ चला जाओ मैं तेरी कोई मदद करने वाला नहीं है अज यार सज्जन बेली सारे पीतां ते परीतां तोड़ गए मुख मोड़ गए अज सारे ही छोड़ गए ते नबी दा गुलाम फिर चारों पासियों वेख के जदों कोई शह नजरी नहीं आउंदी ते रो के की कहंदे गुनागार जो महशर में फरियाद करेंगे गुनागार जो महशर में फरियाद करेंगे गुनागार जो महशर में फरियाद करेंगे आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे और सर सजदे में होगा सर सजदे में होगा खुल जाएंगी जुल्फें
सर सजदे में ओ गारी खुल जाएंगी जुल्फे, अरे गुनागार की बख्शिश का इसरार करेंगे। आया हूँ सरकार कहेंगे। और ये कहरो गजब मेरा तेरे के लिए है, ये कहरो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। और तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। सर सजदे में ओ गारी खुल जाएंगी जुल्फे, सर सजदे में ओ गारी खुल जाएंगी जुल्फे, गुनागार की बख्शिश का इसरार करेंगे। आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ सरकार कहेंगे। ओ बीबी कहंदी है निदा करने वाले नू, ओ सदा देने वाले जदों सरकार ने सजदे दे अंदर सरा के साड़ी बख्शिश दियां दुआवां करनियां, किधरे नबी ये ना फरमा देवे नी मेरी उम्मतिया जदों मैं अल्लाह दे रस्ते वास्ते ऐलान कीता सी तू अपना पुत्र बचा ले, बीबी तू उधर तो भाग गए तेनों उधर रह के बच्चा छोटा किया फिर की हो निका जिया बाले, बेशक निका जिया बाले पर मदनी लजपाल तू इनू भी कुर्बान कर देंगी। बहुत अच्छे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर अर्ज कर दिए निदा करने वाले आ, हजूर अर्ज कर दिए निदा करने वाले आ, तू इजाजत नहीं देंदा सरकार दे गुलाम ने किया बीबी नहीं इजाजत नहीं। अच्छा जज़ाकअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर जदों सिहाबी ने मोटिवेट किया कि बीबी ये बच्चा लड़न दे काबिल नहीं, ये तो चलन दे काबिल नहीं तो लड़ेगा की, क्या वीरा मैनू नबी दे कोल इजाजत दे दे जान दी। उन्हें कहा मैं कौन होना वा तुहानू रोकन वाला, जाओ यही बात हजूर ने करनी है। गई है बड़िया आसा उम्मीदा ते सदरा लैके अपने नबी दी बारगाह दे अंदर जा रही है। अज मां अपने बच्चे नू तैयार करके सोना जिहा यूनिफॉर्म पा के
अच्छे इत्र ते खुशबुआं ते परफ्यूम लगा के मुंह मथा चुमके सुकूल ते रवाना कर दिए। ओनू ए पते चंद कैंटे मेरे कोलों जुदा रहने, फिर इन्हें मेरे कोली वापिस आ जाने। वतवी बार बार सीने दे नाल लौंदी ए, कदे रुखसारां दे बोसे लैंदी ए, कदी पेशानी नू चुमदी ए। पर मैं सदके जावां ऐसे ऐसी बीबी तो जिन्नू पता भी ए इस पासे अगर भेज दिता ते जिंदा वापस नहीं आना, एदे टुकड़े टुकड़े हो जाने। इन्हें मैदान दे नाल ही जनाब मैदान दी खाक दे नाल मिलवैने, लेकिन फिर भी मुहब्बत ते शकदान ला जाए वे। हजराती गिरामी कदर जदों सरकार दी बारगाह दी अंदर हाजर होई, अर्ज कर दी ए सोनिया मैं बाजार दे अंदर ऐलान सुने के नबी बोला रहे है। मैं बाजार दे अंदर आवाज सुनी है के तेरा मुनादी कह रहे जाओ जंग वास्ते जाने, जिहाद वास्ते जाने। ते मेरे हुज़ूर ने फरमाया हाँ बीबी मैं औरतां दा ऐलान नहीं कीता, मैं ते मर्दां नू बुलाए। अर्ज कर दी है सोने साई मेरा वो दोए निका जिया बाल जिंदगी आखरी ती कोई सरमाए, ए दे सारे ते जिंदगी गुजारनी है। ए सारिया गल्लां मेरे सामने ने पर मैं ए कहनिया माल औलाद जान कारोबार तो वध के सानू सोनिया जुल्फां वाला यार प्यारा लगदे। लख दुनिया ते सोने होवन, ओए लख दुनिया ते सोने होवन पर असा नहीं ओना यारी वटाउणा। सोनिया बेशक पुत्र भी बड़े प्यारे ने, बेशक पुत्र ठंड अखियां ते घर विच करण ओ जाला, पर इना पुत्रा तो वादी के सानो ओ प्यारा है कमली वाला। मेरे आका ने फरमाया बीबी मैनू तेरी गल दी समझ नहीं आई, तू की कहना चाहनी है। अर्ज कर दी हुजूर मैं अपना निक्का जिहा मासूम बच्चा लेके आ गई हाँ, मेरे बेटे नू तुसी कबूल फरमा लो, मेरे पुत्र नू तुसी कबूल फरमा लो, तेनू जिहाद ते जान दी इजाजत दे दिओ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए ते लड़न दे काबिल नहीं। अर्ज कर दिए या रसूल अल्लाह बेशक ए लड़न दे काबिल नहीं, खलोन दे काबिल नहीं, चलन फिरन दे काबिल नहीं, पर जदों तेरे गुलामां नू दुश्मन तीर मारनगे ते टाल दे तौर ते इस्तेमाल हो जाएगा ना। ए जज्बा जदों होए, ए जदों ने एडे महबूब ते एडे रहीम आका ने कि जदों सरकार ने गल सुनी तो मेरे आका दी चश्मा ने एकदस चो हंझू आ गए, हजूर दे आंसू छलक पे। तो सरकार ने फरमाया बीबी जा अपने बच्चे दी किफालत कर, इहदी परवरिश कर, अगर ये जवान होके मैदान जिहाद दे अंदर गया शहादत दा मरतबा इन्हें लै लिया तो फिर तो सुबहान अल्लाह, अगर इनू शहादत का मरतबा किसी वजह तो ना मिलिया तो कल कयामत वाले दिन मैं तेरे नाल वादा करना शहीदां दी सफ़ी चो मैं तेरे पुत्र नू उठावांगा। आन रहमतुल्लिल आलमीनी दी एक और मिसाल सुनदा जा। इमाम बुखारी ने सही बुखारी दे अंदर कोट फरमाया हजूर दी बारगाह दे अंदर रमज़ान शरीफ का महीना है तो बंदा आया आ करके ना रोन लग पिया, अर्ज करदा सोने मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया। मेरे हजूर ने फरमाया होया कि? अर्ज करदा सोनिया रोज़ा रखिया सी ते रोज़ा तोड़ बैठा, रोज़ा टुट गया। सरकार ने फरमाया फिर रोना किस वास्ते हैं, जा 2 महीने लगातार रोज़े रख,
अल्लाह दे कुरान दा उसूल है, दस्तूरे खुदाबंदी है। जा कहन लगा सोनिया दो महीने रखदे रख लैंदा हुंदा ते एक ही क्यों तोड़दा। सरकार ने फरमाया जा फिर इस तरह कर, एक गुलाम आज़ाद कर। सोनिया मेरे तब अपने बच्चों का टुकर नहीं पूरा होंदा, मैं गुलाम कितों खरीदांगा। सरकार ने फरमाया जा फिर सठा मस्कीना नू खाना खिला। सोनिया कदे मेरे घर ते आओ वेखो ते सही, हांडी दे अंदर पानी पा के दो दो दिन असी गुजार दिने ते बच्चों नू बैला फसला के सलाह देने, साढ़े तो कर फाकियां नाल पिया गुजारा होंदा है। तीनों गल्लां जदों नफी दे अंदर जवाब आ गया तो मेरे हजूर अदीस दे अल्फाज ने, सरकार ने फरमाया हल ताजे दुर रकबा तनता ते कोहा, क्या एक गुलाम आज़ाद करन दी ताकत रखने। कहंदा काला ला सोने या नहीं। हजूर ने फरमाया क्या हल तस्ततीयो, क्या तेरे कुल ताकत है कि अन तसूमु शहरैन मुतताबिईन, कि दो महीने लगातार रोजे रख लें। कहंदा हजूर नहीं। फरमाया फिर हल ताजे दो इतामु सित्तीन मिस्कीना, क्या तू ये कर सकने कि सठा मस्कीना नू खाना खिला लें। हर गल ते कहंदा काला ला सोने या नहीं सोने या नहीं। फमाका सन नबी यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुजूर ना थोड़ी देर वास्ते खामोश हो गए। सदके जावां इधर नबी खामोश होंदा है उधर रब दी सारी मशीनरी हरकत च आ जांदी है। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने जदों वेखीए ए उस यार दे बूए ते आया जिन्नू मैं इजाज इनाम ते करामत फरमाए। व मसाइल फला तनहर सुनिया कोई भी आ जाए किसे वेले भी आ जाए, जो कुछ मंगे तुसा आता फरमाउंदिया जाने। ए गुनाह दी माफी लैन वास्ते आए की होए गरीब आए की होए मिस्कीन आए की होए बेचारा आए। सुनिया तानू ती असा इख्तियार अता फरमाए होए ने, इनू खाली नहीं लौटाना। अजे तक मेरे हुजूर ने खामोशी इख्तियार की। उधरों ही जनाब मन जल्दी दे नाल मेरे नबी दे गुलाम आ जांदे, खजूरां दा टोकरा उठाया है जल्दी दे नाल मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर पेश कर देंदे। सुनिया मैं नजराना लेके आया, अगर कबूल फरमा लाओ ते मैनु चा चढ़ जाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया सवाली किथे आ जड़ा अगे रोला तोड़ के आया है, ओ चट करके खड़ा हो जाने लबी का या रसूल अल्लाह। सोनिया मैं आदरा, मेरे आका ने फरमाया ओए तेरा कम बन गया ही ते मुफ्ते ची बन गया ही। अर्ज कर दे सोनिया किवें, फरमाया खजूरा मेरे वल्ले नजराना आईया ने, मैं तेनू देना वा जा अपना कफारा अदा कर ले। सोने इन्हू की कर ले, मेरे हुजूर ने फरमाया जा ले जा मदीने दिया गरीबां दे अंदर तकसीम करया। मैं कहना है तमामी उज्जत दे वास्ते कि भला उन्हें टोकरा सर्दी उत्ते उठा लिया। भाई अब्दुल गफूर साहब जदों उठा के बाहर चला गया, थोड़ी देर तो बाद किसे गरीब को नहीं गया, किसे दे बूए ते नहीं गया, किसे दे दरवाजे ते नहीं गया, किसे नू आवाज नहीं दिती, किसे नू नहीं किया गरीबों आ जाओ मिस्कीनों आ जाओ यतीमों आ जाओ। नहीं 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 नहीं, थोड़ी देर तक मेरे नबी दे फरमान ते अमल करने वास्ते बाहर रुकिया रिया है, झट बाद अंदर आ जांदे। मेरे हुजूर ने फरमाया ओए टोकरा तकसीम करना है। अर्ज कर दे सुनिया तुसा फरमाया गरीबां च वंडिया, मैं ते सारे मदीने नू इंज करके नजर दौड़ा के वेखी आए, मैनू अपने तो वद कोई गरीब नजरी नहीं आया, मैनू तो अपने तो वद कोई गरीब नजरी नहीं आया, ते मैं किन्नू दे के आवा। जदों ये गल कीती ते मेरे आका मुस्कुरा पे। हदीस दे अल्फाज ने फदाहे कन नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत
ताब इबादत अनियाबू। मेरे आका इस तरह खुल के इस तरह जनाब मन मुस्कुराए के सरकार दियां दाड़ा मुबारक जाहिर हो गईया। मेरे हुजूर मुस्कुरा पियो मुस्कुरा दिए कि कशां बिखर गई यो लब को शाह हुए कि गुलसितों बनाओ दिया। मेरे आका मुस्कुराए अल्लाह अकबर जद मुस्कुरावे सरकार ने फरमाया अत इमुह आह लगाए ओन वाले अल्लाह दा कानून है लगातार दो महीने रोजे रखना अल्लाह दा कानून है के सठा मिसकीना नो खाना खिलाना अल्लाह दा कानून है एक गुलाम आजाद करना। तू इना तिना कम्मा दे विचों कुछ भी नहीं कर सकया ओए जा मैं मुहम्मद तेनों इजाजत देना वा खजूरा भी मैं दितिया खा भी आपे ही ले मैं गारंटी देना तेरा कफारा अदा हो जाएगा। खजूरा भी ऐसा दितिया ने खा भी आपे ही ले आता मोह आहला का जा खा ले अपने बच्चियों नू खवा दे होएगा कि तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ओ रहमत लिल आलमीन नबी सरकार ने फरमाया जा अपने बच्चे नू ले जा कियामत वाले दिन शहीदां दी सफ चो मैं नू खड़ा करांगा। दीवाने आ गए सरकार दे गुलाम आ गए जंग वास्ते तैयारी होन लग पई सफ सफ बंदी शुरू हो गई। जदों मैदान बदर दे अंदर पहुंचे हुजूर सफा बना रहे ने सफा सिद्धियां कर रहे ने हुजूर ने फरमाया सफा सिद्धियां करो इस्तौ करो सफा बराबर करो। एक मेरे नबी दा गुलाम है जनाबे सवाद रजी अल्लाह ताला नो उस सफ दे विचों थोड़ा जगह निकले ने सरकार ने फरमाया इस्तौ या सवाद ओए सवाद अपनी सफ नु बराबर कर। हुजूर दे हत्थे छोटी जी छड़ी सी हुजूर ने उन्होंने पेट ते लगाई फरमाया पीछे हो जा। जदों एक गल की थी ते हजरत सवाद रजी अल्लाह ताला नु दे ज़हन च पता नहीं की गल आई ते उन्होंने अर्ज की थी या रसूल्ला तुसा मैनू अज़ियत दिती है ते मैं तुहाडे कोलों अज़ियत दा बदला लवांगा। नबियां दा ताजदार है अल्लाह दा महबूब है कुल कायनात दा वाली ओ मुख्तार है बादशाह है रब दी पूरी जमीन दा पूरी रबूबीयत दा बादशाह है। पता की किया है ये नहीं किया कि मैं तेनू केड़ी छड़ी मार दिती है इंज लगाई है ना अल्लाह दी इज्जत ओ जलाल दी कसम है किताबां दे अंदर आउंदा है मेरे आका ने फरमाया सवाद हुणे ही बदला लै लै। बल्कि दूसरी रिवायत दे अंदर इस तरह आउंदा है कि मेरे सरकार खिताब फरमा रहे सन ते हुजूर ने ऐलान किया भी है कोई जिस दे नाल मैं कुछ ज्यादती कीती होवे जिन दे नाल मैं ज्यादती कीती अज मैं सामने खड़ा मेरे को बदला लै लो ते सवाद उस वक्त खड़े होए। एक रिवायत है कि सवाद खड़े होना क्या हजूर मैनू इस मौके ते फलां मौके ते तुसा मैनू छड़ी मारी सी ते लिहाजा मैं बदला कोई नहीं सी लिया मैं बदला लेना चाहना वा। सरकार ने फरमाया आ जा बुलाया छड़ी मंगवाई गई सारे दे सारे सिहाबा चीखा मार के रो रहे हैं। हजरत सवाद रदी अल्लाह ताला नू बड़े बड़े जलील उल कदर सिहाबी कहंदे ने साडा कीमा कर ले साडे टुकड़े कर ले बोटियां कर ले पर साडे आका कोलो बदला ना ले। ने क्या नहीं नहीं मैं ते बदला हुजूर दे कोलों ही लैना है। जदों जनाबे मन सारे सियाबा चीखा मार मार की हथ जोड़ रहे ने सवाद दे कदमां ते डग पैणो सवाद आसमान फट जाएगा आसमान गिर जाएगा जमीन फट जाएगी अज की करन लगे अल्लाह दे महबूब दे कोलों बदला लैन लगे रहमतुल लिल आलमीन नबी दे कोलों बदला लैन लगे। हजरत सवाद कहंदे ने चुप कर जाओ मैं बदला जरूर लैना
ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਛੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਵਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੁਰਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਰਤਾ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਵਾਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰਾਨੀ ਜੁੱਬਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰੇ ਸਿਆਬਾ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਸਵਾਦ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਰਤਾ ਉਤਾਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਤ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਤ ਲੱਭ ਰੱਖੇ ਨੇ ਚੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਵਾਦ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ ਰੋ ਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸਮ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕੁਰਾਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਮਸਾ ਜਿਲਦੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸਮ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਸਫ਼ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਨੇ ਛੜੀ ਪਕੜੀ ਅਤੇ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਆਬਾ ਇੱਥੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਂ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬਿਲ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਤਰੀਨ ਬੜਾ ਬੜਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੋਵਣ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੋਵੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਪਾ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਫਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਫਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਰੇਗਾ ਫਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰੇਗਾ ਫਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਤਿਆਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਤਜਾਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇਕਤੀ ਮੁਰਦਫੀਨ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਉਹ ਛੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਛੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨ ਤੁਹਲਿਕ ਹਾਜ਼ਿਹ ਲੋਸਾਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਮਾਤ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਜਮਾਤ ਤੁਹਲਿਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਮਰ ਗਏ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਿਕ ਲਾ ਤਾਬੁਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਅਬਦੋ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੋ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾ ਰਹਿਮਾਨੋ ਯਾ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨ ਤੁਹਲਿਕ ਹਾਜ਼ਿਹ ਲੋਸਾਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ
इन्हां दे विच्चों अगर मुठी पर जमात खत्म हो गई अलाक हो गई ते फिर तेरा भी ना किसे नहीं लेना। रब ने फरमाया सोने परेशान हो असी पहले तेरी मदद करांगे बिसला सस्ते आला फिमन अलमलाइको असी पहले 3,000 भेजांगे फिर 5,000 भेजांगे। हजराती गिरामी कदर सी आबा कहंदे ने असी काफिरां दे नाल लड़ाई करन वास्ते जदों किसे काफर दे नेड़े जाने आ हजे तलवार उठा नहीं आ ओदा सर पहले ही कलम होके डिग जांदा है ओदे टुकड़े टुकड़े हो जाने ने असी बड़े हैरान होने आ। हजरात जदों सरकार मुसल्ले ते सरे अकदस नूं रखिया होए मेरे नबी दुआ फरमा रहे ने अल्लाह ने जिबरील नूं भेजे आए। रब ने फरमाया जिबरील अर्ज कीती जी रब्बे जलील फरमाया जा मेरे यार कोल चला जाओ ते मेरे यार नूं जाके कह दे सोनिया असा ताड़ी ताड़ी असा ने जनाबे मन मदद वास्ते 3,000 फरिश्ता कल छड़े आए। आई साहब फरिश्ता एक आवन है ना इस पूरी दुनिया के मुकाबले वास्ते अल्लाह की कसम में कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। एक फरिश्ते दा पूरी दुनिया मुकाबला कर सकती एक फरिश्ते दा पूरी दुनिया मुकाबला कर सकती नहीं कर सकती। अल्लाह ने किन्ने भेजे ने 3,000 फरिश्ता पहले हुजूर सजदे च ने जिबरील अर्ज करदा या अल्लाह आ जा वापस फरमाया नहीं या अल्लाह के करना है फरमाया जिन्नी देर तक यार सजदे चो सिर नहीं उठाउंदा तू फरिश्तियां दी तादाद वधाई वंज या अल्लाह की मामला है फरमाया असा जी यार वल्ले तकने अज यार नो राजी करने पहले 3,000 दा ऐलान फिर 5,000 दा ऐलान फिर पैदर पैलान की तो ते फरमाया सुने परेशान नहीं होना असी तेरी इंज दी मदद करांगे ए ते 313 तेरे गुलाम ने हजारां दा मुकाबला करके दस देणगे फतह बदर जदों जाएगी लोगां नूं पता चल जाएगा एक पासे नबी दे गुलाम भावें 313 होवन काफिर हजारां होवन फिर भी ईमान दी ताकत सब तो अफजल ते आला होंदी है। तो हजूर दी बारगाह च उन्हां ने इसरार कीता हजूर असां जाणे ही जाणे मेरे आका ने फिर इस तरह फैसला फरमाया। हजूर ने फरमाया चलो जेड़ा मास है ना बड़ा जड़ा है ये चला जाता है तो मुआवज़ छोटा ये रहन देंदा है। मुआवज़ बड़ा तेज सी उन्हें अर्ज की हजूर ये जिन्हों तुसीं लई वेंदे हो ना ये बड़ा टिल्ला है तो मैं तो इहदे तो बड़ा तेज हाँ तो ताकतवर भी हाँ तुसीं इस तरह करो साड़ी दोवां की कुश्ती करा लो साड़ा कोल करा लो जेड़ा जित मंजी उहनूं लै वैना। हजूर ने फरमाया लभी यह गल सही हजूर ने फरमाया दायरा बना लो अखाड़ा बना लो। सियाबा ने दायरा बनाए मुआवज माद नू कहंदे वीरा ओ वीर वीरा दे दरीदी होंदे ते वीर वीरा दियो बावा अज मेरे नाल यारान दी तू मिसाल कायम कर ले अज मेरी गल मान ले तेनू ते सरकार ने फरमा छड़िया ले जाने मंजूरी ते मेरी रह गई है एक बारी अज मैनू भी यार वास्ते मेरे कोलो टह जाओ ओए माज अज यार दियां जुल्फां वास्ते टह जाओ पता नहीं तेनू किनियां शानां मिलणगियां। हज़राती गिरामी कदर जदों मुआवज ने कन्न च गल कीती है दोवां दी कुश्ती शुरू होई है मुआवज ने पटक के माज नूं जमीन ते दे मारे है ते अर्ज करदा है सुणियो ए वेख लो मैनू टा लिया है हुण मैं भी जावांगा मेरे सरकार मुस्कुरा पे सरकार ने फरमाया जाओ तुहानू दोवां नूं ही मैदान दे अंदर जाण इजाजत है। इजाजत मिल गई है ते कम की करना चाहते ने
हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने दोवें नन्ने नन्ने बच्चे नन्नियां नन्नियां तलवारां पकड़ियां ने ते मेरे कोल आण के ने मेरे गोडियां तक आए ने। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कहंदे ने आप फरमांदे ने मेरे गोडियां तक आए ने ते मैनू कहंदे ने थल्लो इंजा ला के चाचू जी की कहंदे ने चाचू जी ये तो उर्दू या पंजाबी का लफज है ना तुम सुबान अल्लाह कहो तो मैं तुम्हें अरबी सुनाना वा फकालाइयो अम्मी आम चचा नू कहंदे ने फकालाइयो अम्मी ओए चाचा जी हल तारिफो अबाजहल सोने चाचा तुसु अबू जेल नू जान दे ओ उन्हों पहचान दे ओ क्योंकि असी ते मदीने दे निके निके बच्चे हो असी उस लाइन अजे तक नहीं वेख्या आया असा सुने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कहंदे ने मैं उन्होंने पूछया तुसी उन्हों की कहने ओ बच्चे कहन लगे इन्नहु यूसिफु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा सुनिए साडे हुजूर नू ओ गालां देंदे असा उन्हों छड़ना असी ओनू छड़ना नहीं। हजरत अब्दुल रहमान कहंदे ने मैं हैरान भी होया ते खुश भी होया उन्हां नू वेख के निक्के निक्के बाल ने ते ओह एडा वड्डा काफिर बेईमान एडे वड्डे कद वाला ते एडी ताकत वाला ते एडी फूल प्रूफ सिक्योरिटी वाला अबू जेल दे आले दुआले फूल प्रूफ सिक्योरिटी सी ढेर सारे फौजी ओदी हिफाजत कर रहे सन ते ओदे ओदे बारे पुछ रहे ने। हजरत अब्दुल रहमान कहंदे ने मैं उन्होंने कहा हाँ मैं उन्होंने जानना वा तो उन्हें क्या फिर दसो वो कित्थे है ते केड़ा है तो हजरत अब्दुल रहमान कहंदे ने कि मैं जिकर कि उंगली का इशारा किया भी ओ जड़ा उच्चे कद वाला चिट्टे रंग वाला ते ओ जिन्हें सारा लोहे का लिबास पाया है ना तो वह घोड़े दे उत्ते बड़ा फाखराना अंदाज दे नाल गश्त कर रही है ओ अबू जेल। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ फरमांदे ने कसम अल्लाह दी मैं वेखिए इंज करके हथ मेरा अजे तक बाद आया है तो बाल की तरह चपट के ओदे कोल पहुँच भी गए ने जाके उन्होंने जनाब मन मुकाबला शुरू कर दिते दोनों दे दोनों जाके ओदे नाल भिड़ गए ने अत्ता कतल उन्होंने जाके ओदे ती हमला कर दिते मास ते मुअव्वज़ दोनों जदों अबू जाल दी उत्ती हमलावर होए उन्होंने उस लईन बेईमान नू जमीन ते गिरा लिया अपने वालों उन्होंने उन्हों वासले जहन्नम कर दिते लेकिन सांसाजे जारी ने ओए बाबू जेल दे सिक्योरिटी गार्डा ने मास ते मुअव्वज़ ती हमला कीता अल्लाह अकबर ए भी जख्मी हो गए ए भी जख्मी हो गए अपनियां तलवारां अबू जेल दे खून दे नार रंग के मेरे नबी दी बारगाह दी अंदर लैके आ गए अर्ज कीती सोणिया असा तेरे दुश्मनों वासले जानलो कर दिते माज कहंदे सोणिया कतल मैं कीते मुअव्वज कहंदे सोणिया उस लाइन नूं मैं कतल कीते दोनों दा आपस से तकरार होए मेरे आका ने फरमाया कला गुमाए ओए बचियो जाओ तनु मुबारक होवे नबियां दा सुल्तान कहंदे तुसी दोवां नहीं कतल कीते सुन लो माता फिरऊनो हाजिल उम्मा ओ लोको अज मेरी उम्मत दा फिरौन गर्क हो गया जे मेरे सरकार ने फरमाया माता फिरौनो हाजिल उम्मा अज हुज़ूर ने फरमाया ए फिरौन मूसा अलैहि सलाम दे भी फिरौन नालों वड्डा सी क्यों ते डुबल लगा सी ते मन गया सी उन्हें कहा सी कालू आ मन्ना बे रब्बे मूसा व हारून कि मैं हारून ते मूसा दे रब ते ईमान लिआउणा वा ते ए मरन लगिया भी नहीं मनिया मेरे सरकार ने फरमाया ए ए माता फिरौन हाज़िहिल उम्मा ए मेरी उम्मत दा फिरौन है जड़ा वासले जहन्नम हो गया है। हजरत माज ते मुअव्वज़
छोटे छोटे मेरे आका दे गुलामा ने दस छड़िया, अगर नबी दा इश्क होवे ते जज्बा जिहाद होवे ते उमरां नूं नहीं वेखिया जांदा, फिर नबी दा नां लैके जदों मैदान दे अंदर उतर जाइए ते फिर कामयाबियां मेरा रब अता फरमाउंदा है। अल्लाह तबारक व ताला सानू जंगे बदर दे अंदर शहादा दे नाल जे लड़न वालियां दे नाल होर ज़्यादा मुहब्बत और उन्हां दी याद मनांदियां रहण दी तौफीक अता फरमाया। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।